यार बड़ी गंदी एक्टिंग करी है तूने। वो टट्टी होती है ना देवर जी, टट्टी। किसी ने बोला सड़ा हुआ, किसी ने बोला पादसा, और किसी ने तो भाई टट्टी। मतलब हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज कुनाली ने मूत लिया था पीयूष के ऊपर, और पीयूष ने मूत लिया था कुनाली के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस, ऐसे ही मूतमाती चल रही थी। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई, यार ये क्या था, यार ये क्या था गाइस। मैंने कैसी एक्टिंग की सौरभ जोशी की, और आप लोग कमेंट करके बताना अगर अगर अच्छी लगी एक्टिंग। और मैं अम्मी से भी पूछता हूँ, क्योंकि अम्मी भी हमारी देखती रहती हैं उसके ब्लॉग, सौरभ जोशी ब्लॉग। सो गाइस देखती रहती हैं, तो मैं मम्मी से पूछता हूँ कैसे लगे उनको, मतलब उनको कैसी लगी मेरी एक्टिंग सौरभ जोशी वाली। सो गाइस मम्मी कैसी है मेरी, मतलब कैसी एक्टिंग करी है मैंने सौरभ जोशी की, बताओ बताओ कैसी एक्टिंग करी है। सो मम्मी सौरभ जोशी की एक्टिंग कर रही है, तो सौरभ जोशी की, सौरभ जोशी तो लग रहा है, पर सड़ा हुआ सौरभ जोशी लग रहा है, सड़ा हुआ, जो सड़ा हुआ होता है ना वैसा सौरभ जोशी लग रहा है। इतनी गंदी एक्टिंग करी है मैंने सौरभ जोशी की। अरे नहीं अम्मी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, आपको नहीं पता। भैया आप बताओ, आप बताओ भैया मैंने कैसी एक्टिंग करी है सौरभ जोशी की, मतलब सौरभ जोशी की व्लॉग देखते हो ना, बताओ आप मैंने कैसी एक्टिंग करी, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने, आप बताओ, आपको पता होगा तो भैया बताएंगे। गाइस भैया बताएंगे, आप बताओ भैया। अरे बड़ी गंदी एक्टिंग करी है तूने, बहुत गंदी। जैसे अम्मी ने बोला ना कि सड़ा हुआ सौरभ जोशी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वाकई में सड़ा हुआ सौरभ जोशी लग रहा है तू, सड़ा हुआ। यार आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बता रही है सड़ा हुआ, मम्मी बता रही है सड़ा हुआ, आप बता रहे हो पादसा सड़ा हुआ, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो आप लोग, और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब गाइस मैं ऐसे इंसान से पूछने वाला हूँ, मतलब ऐसे इंसान से पूछूंगा जो सच भी बोलेगा और अच्छा ही बताएगा जो मैंने किया होगा। गाइस मतलब अगर मैंने वॉइस सौरभ जोशी जैसी बोली होगी और उसकी एक्टिंग की होगी गाइस, तो वो सच ही बताएगा। अब मैं ऐसे इंसान से पूछने वाला हूँ गाइस। सुबह भी आप बताओ, आप बताओ भाभी, मैंने सौरभ जोशी की वॉइस में एक्टिंग की है ना, और उसकी जैसी वॉइस की है, एक्टिंग उसी के जैसी की है ना, सच सच बताना, और मुझे मालूम है आप सच बताओगी और अच्छा ही बताओगी, तो बताओ आप बताओ। सो भाभी बताएंगे गाइस, दिखाते हैं। नहीं नहीं हम नहीं बता रहे, हम ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम देखते हैं सौरभ जोशी के ब्लॉग, पर हम बता नहीं रहे, हम नहीं बता रहे। अरे भाभी शर्माओ नहीं, आप बताओ और यहाँ पर आ जाओ ना, बताओ आप, शर्माओ नहीं, बताओ आप। नहीं हम नहीं बता रहे, आप बुरा मान जाएंगे, नहीं हम नहीं बता रहे। अरे भाभी आपकी बात हो, क्या बुरा मानना, आप बताओ, आपकी बात हो, कुछ बुरा मानना नहीं है, आप बताओ बस, आप बताओ। अरे नहीं देवर जी रहने दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप बुरा मान जाएंगे, रहने दीजिए, हम नहीं बता रहे, आप बुरा मान जाएंगे। अरे भाभी आप बताओ तो, आप बताओगे नहीं तो बुरा कहाँ से मान जाएंगे, आप बताओ तो बुरा कैसे मान जाएंगे, बताओ आप पहले बताओ कि मैंने कैसी एक्टिंग की है सौरभ जोशी की। अगर आप इतनी जिद कर रहे हो देवर जी तो बता रहे हैं, आप बुरा मत मानना, बस आप बुरा मत मानना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो बता रहे हैं हम, तो टट्टी होती है ना देव। देवर जी टट्टी, आप वो भी नहीं लग रहे हो सौरभ जोशी की, टट्टी भी नहीं लग रहे हो। अरे भैया मैं तो शर्म आ गई, बस बस भाभी जी आपने इतनी तारीफ की, थैंक यू, अब इससे ज्यादा नहीं, बस बहुत है। सो आज तो घर वालों ने ऐसी तारीफ की कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, कि भाई मेरा मन ही भर गया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। किसी ने बोला सड़ा हुआ, किसी ने बोला पादसा, और किसी ने तो भाई ऐसा वर्ड बोला टट्टी। बात तो सही है। मतलब टट्टी भाई एक्टिंग की मैंने, भाई हसो हसो आप भी हसो, हसो हसो आप भी हसो। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ व्लॉग को अपनी रियल वॉइस में भाई। सो हे गाइस सलाम नमस्ते, और कैसे हो आप लोग, तो भाई स्वागत है आपका न्यू व्लॉग रियल व्लॉग चैनल में। सो गाइस औकात पे रहो भाई,
औकात पे ही ठीक है। सो गाइस आज मैंने काफी लेट व्लॉग स्टार्ट किया है और काफी लेट हो गया मतलब व्लॉग, और अभी 2:10 करीब हो रही है गाइस। तो मतलब आज थोड़े बहुत काम थे मुझे, तो वो काम भी करने थे और रूबी के भी थोड़े बहुत काम है, मतलब उसका भी कुछ सामान वामान लेके आना है तो वो भी करने गाइस। तो अभी अभी तो हाल ही में मैं नहाने जा रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल नहाने, तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी से बचने के लिए भाई एक ही कारण है कि नहा लो, तो मैं जल्दी से जाके नहा लेता हूँ, फिर उसका काम भी करना है, मतलब उसके सामान वामान भी लेकर आना है, उसका सामान लेकर आना है, फिर और भी काम है गाइस, थोड़े उसकी फोटो स्टेट भी करवानी है और अपने भी थोड़े बहुत काम है। सो सारे काम करेंगे तो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में गाइस। तो अभी मैं थोड़ा नहाने चलता हूँ, फिर नहाकर आपसे मिलता हूँ और फिर चलते हैं उसका काम करने के लिए गाइस। तो चलिए अभी नहाने के लिए चलते हैं। मैं नहाने जा ही रहा था तो इतने में मम्मी ने बोला भाई पानी खत्म हो गया, बोतल लिया पानी की और जल्दी जाकर प्लांट पर से पानी लिया भाई। सो मैं बोतल उठाकर निकल चुका था भाई पानी लेने के लिए, तो पानी लेकर आकर ही नहाऊंगा भाई, क्योंकि पानी लेकर आता हूँ फिर पसीना पसीना हो जाता हूँ गाइस, तो इसके चक्कर में मैं पानी लेकर आता हूँ। और जस्ट बगल में ही हमारा प्लांट है तो पानी लेने पहुँच गया आपका भाई वहाँ पर, तो यहाँ पर बोतल रखी मैंने और भाई 3 बोतल लेने के बाद 100 का नोट दिया इन भैया को, तो 100 का नोट देने के बाद उन्होंने बोतल के पैसे काटे और मुझे खुले पैसे दे दिए, मैं पहुंच गया घर पे बोतल लेकर गया। तो गाइस अभी नमाज का टाइम हो गया और अभी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और मैं ना तो काफी देर पहले लिया था, मतलब तैयार हो गया था भाई, नहा लिया था तो ऐसे ही लेटा हुआ था, तो अभी नमाज का असर की नमाज का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा यार नमाज पढ़ने चलते हैं, और जितने टाइम की गाइस मुझे मिल जाती है तो मैं पढ़ लेता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अब फिर उसके बाद हमें थोड़ा काम भी करना है, और मम्मी जो सामान की बोल रही हैं तो वो सामान भी लेकर आना है गाइस, और कुछ रूबी का भी सामान है उसमें, तो सारा सामान लेकर आना है। सो अभी चलता हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ कर आऊँगा फिर सामान लेने जाऊँगा गाइस। सो अभी नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, चलिए गाइस नमाज़ पढ़ने चलते हैं। अभी पहुंच चुके हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गाइस, और ये देखिए हमारी मस्जिद में काम चल रहा है भाई, मतलब काफी महीनों से काम चल रहा है, और लॉन्ग ब्लॉग में पहली बार मैं अपनी मस्जिद दिखा रहा हूँ गाइस, और चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसी लगती है हमारी मस्जिद। तो यहाँ पर देखिए ऐसी लगती है गाइस, और इस साइड था हुजरा, अब हुजरा ऊपर बनेगा हाफिज जी के लिए, यहाँ से तोड़ दिया गया गाइस। नमाज अदा करने के बाद पहुंच गए थे घर पे, अभी नमाज पढ़ के तो घर पर आ चुके हैं, और अभी जा रहे हैं हम सामान लेने के लिए, घर का भी थोड़ा सामान है और रूबी के भी खाने का थोड़ा सामान है, तो वो सब सामान लेने के लिए जा रहे हैं, और उसने पैसे भी दे दिए गाइस, ये पैसे भी दे दिए उसने। सो अभी जा रहे हैं गाइस सामान लेने के लिए, और मेरे साथ मम्मी भी जा रही हैं, तो चलते हैं सामान लेने के लिए, फिर आते हैं जल्दी से भाई लेकर। सामान लेने पहुंचे तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, मतलब इसी दुकान से हमारे घर का सामान जाता है गाइस ज्यादातर, तो गाइस काफी ज्यादा भीड़ थी, और शाम के टाइम तो वैसे भी भीड़ मिलती है भाई, पर ऐसे तैसे उन्होंने 2 सामान निकाल दिया, और भी सामान निकाल लिया, फिर उसके बाद चलते हैं घर पे। अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़कर आया हूँ, और टाइम हो गया था नमाज का, तो मैं मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया था गाइस, सामान तो लेकर आ गया था, सारा सामान मैंने घर पे रख दिया था, फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ने चला गया। सो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान लेकर आए हम रूबी के लिए, तो यहाँ पर चलिए गाइस मैं दिखाता हूँ। सो ये देखिए ये दाल लेकर आए हैं, ये मूंग की दाल है साबुत मूंग, और ये सोयाबीन है, ये सोयाबीन लेकर आए हैं, और इसमें है इसमें क्या है मखाने, इसमें मखाने हैं, और ये किशमिश लेकर आए हैं किशमिश। सो ये हमारे सब सामान रूबी के लिए आया है, मतलब वो खाएगी और बॉडी बनाएगी, स्टार्ट करो। और ये चने भी आए गाइस, ये चने भी आए हैं, तो ये सब कुछ उसी के लिए आया, और वो खाकर अपनी मतलब चश्मा हट जाए उसका, इसलिए उसे खिला रहे गाइस। रूबी को जितना भी सामान डॉक्टर ने बताया था वो सारा सामान हम लोग लेकर आ गए हैं, तो मैं और मम्मी गए थे और सारा सामान आ गया, और घर का भी कुछ सामान था वो मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया है, वो सामान भी हम लेकर आ गए हैं गाइस, सारा सामान आ गया वो भी, और है ना गाइस मतलब जो भी काम करने थे सारा दिन, पूरे दिन में मैंने 2 बजे तो व्लॉग स्टार्ट ही किया था, सो गाइस मतलब जो भी काम करने थे सारे काम कर लिए हैं अभी मैंने। सो आज के व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी एक अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। सो कैसा लगा व्लॉग आपको, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में गाइस, और वीडियो कैसी लगी तो आप बताना अपने कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो। सो गाइस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। तो प्लीज़ यार आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से भाई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लेना जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।